लता मंगेशकर और आशा भोसले के बाद जिस सिंगर के गाने सबसे ज्यादा मशहूर हुए वो अलका याग्निक है। 90 के दशक में हर दूसरी बॉलीवुड फिल्मों के गानों में अलका की आवाज़ सुनाई देती थी। कोई भी फिल्म अलका के गानों के बिना अधूरी लगती थी। अलका याग्निक 20 मार्च को अपना जन्मदिन मनाती हैं और ये उनका 54वां बर्थडे होगा। चलिए इस मौके पर जानते हैं अलका के बारे में कुछ अनसुनी बातें। अलका याग्निक ने 30 सालों तक बॉलीवुड को अपनी आवाज़ से सजाए रखा। उन्हें प्लेबैक सिंगर के तौर पर 2 बार नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है। अलका का जन्म कोलकाता की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उन्होंने अपनी माँ शुभा याग्निक से शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया था। घर में संगीत का माहौल होने के कारण उनकी भी संगीत में रुचि बढ़ती गई। महज 6 साल की उम्र में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। अलका कोलकाता आकाशवाणी में गाने लगी थी। 10 साल की उम्र में वो अपनी माँ के साथ मुंबई आ गई और बॉलीवुड के फिल्म मेकर राज कपूर से मिली। राज कपूर को अलका की आवाज़ बहुत पसंद आई। अलका ने प्लेबैक सिंगर के रूप में अपने करियर की शुरुआत 1979 में आई फिल्म पायल की झनकार से की। अलका ने जब अमिताभ बच्चन की फिल्म लवारिस का गाना मेरी अंगने में गाया तो वो जबरदस्त हिट हुआ। इसके बावजूद अलका को बॉलीवुड में पैर जमाने में करीब 8 साल तक का स्ट्रगल करना पड़ा। 1988 में आई फिल्म तेजाब के गाने 1, 2, 3 के बाद अलका को प्लेबैक सिंगर के रूप में पहचान मिल पाई। इसके बाद तो अलका ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अलका अब तक 1100 फिल्मों में करीब 2400 से ज्यादा गाने गा चुकी हैं। अलका ने 1989 में नीरज कपूर से शादी कर ली थी। अलका अपने पति से 27 साल से अलग रह रही हैं। अलका बॉलीवुड की सुपरहिट प्लेबैक सिंगर रही, लेकिन उनकी बेटी ने हमेशा फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाई रखी। अलका ने 5 साल पहले फिल्म तमाशा में अगर तुम साथ हो गाना गाया था, जो दीपिका पादुकोण पर फिल्माया गया था। अलका याग्निक पिछले कुछ सालों से गाना नहीं गा रही हैं। इसकी वजह से वो आज के संगीत में बदलाव को मानती हैं। अलका का मानना है कि बॉलीवुड में गानों की मधुरता खो गई है और उसकी जगह फुहड़ता ने ले ली है। तो ये थी बॉलीवुड की खूबसूरत सिंगर अलका याग्निक की खास कहानी उनके जन्मदिन पर। आपको हमारी ये स्पेशल स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। कीप वॉचिंग E24।